स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट नेक्स्ट फाइव इवन नंबर्स। अब आपको इसमें फाइव इवन नंबर्स लिखने हैं। सो फर्स्टली हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। टू फोर, टू एंड फोर के बीच का डिफरेंस कितना है? टू का डिफरेंस है, तो हम टू ऐड कर करके आगे के नंबर्स लिख लेंगे। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, जिन नंबर्स की एंडिंग टू फोर सिक्स एट ज़ीरो से होती वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, तो हम अपने इवन नंबर्स लिखते जाएंगे। 62 प्लस सिक्स प्लस टू 64, 64 प्लस टू 66, 66 प्लस टू 68, 68 प्लस टू 70, 70 प्लस टू 72, 72 प्लस टू 74, देन 10, 12, 10 प्लस टू 12, 12 प्लस टू 14, 14 प्लस टू 16, 16 प्लस टू 18, 18 प्लस टू 20, एंड 20 प्लस टू 22। नेक्स्ट 28, 28 प्लस टू 30। नाउ वी विल ऐड टू, 30 प्लस टू 32, 32 प्लस टू 34, 34 प्लस टू 36, 36 प्लस टू 38, एंड 38 प्लस टू 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेक्स्ट फाइव ऑड नंबर्स। अब आपको इनके आगे के ऑड नंबर्स लिखने हैं। सो आई हैव टोल्ड यू जिनके एंडिंग 1, 3, 5, 7, 9 से होती है वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं, या फिर हम इसमें डिफरेंस देख लेंगे। 13 एंड 15 के बीच में कितना डिफरेंस है? 13 में 2 प्लस करेंगे तभी तो 15 आएंगे ना, 2 का डिफरेंस है, तो हम 2 2 ऐड करके ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। 13 प्लस 2 15, सो 15 प्लस 2 स्टूडेंट 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 18, 19, 19 प्लस 2 20, 21, 21 प्लस 2 यस 23, 23 प्लस 2 25। यू कैन सी स्टूडेंट, 71 एंड 73 के बीच में कितना डिफरेंस है? टू नंबर्स का डिफरेंस है, सो वी विल ऐड टू। 73 प्लस 2 75, 75 प्लस 2 77, 77 प्लस 2 79, 79 प्लus 2 81, 81 प्लus 2 83। नेक्स्ट 89 प्लस 2 91, 91 प्लस 2 93, 93 प्लस 2 95, 95 प्लस 2 97, 97 प्लस 2 99, 99 प्लस 2 101। सो स्टूडेंट्स, आपको इनमें कुछ नहीं करना है। जब आपको नेक्स्ट फाइव इवन नंबर्स लिखने होंगे तब भी आप इन नंबर्स में 2 ऐड कर करके आगे के सारे नंबर्स लिख लेंगे। सेम ऐसे ही आपको ऑड नंबर्स में करना है। अगर आप ऑड नंबर्स के इवन नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम दूसरी ट्रिक से भी कर सकते थे। 6, 2, 6, 4 है तो हम 4 के बाद के सारे में हम पहले 6 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद के हम इवन नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे कि 2 के बाद 4, आफ्टर 4 6 इवन नंबर होता है, आफ्टर 6 8 इवन नंबर होता है, आफ्टर 8 0 इवन नंबर होता है, एंड आफ्टर